लोग काफी मेहनत और कड़ी तपस्या के बाद ही एक काबिल पुलिस अफसर बन पाते हैं। काफी ट्रेनिंग के बाद ही वो शातिर अपराधियों को पकड़ने में कामयाब होते हैं। लेकिन ये कहानी है एक ऐसे भयंकर अपराधी की जिसने ट्रेनिंग ली तो सही, लेकिन किसी अपराधी को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद अपराधी बन पुलिस के पसीने छुड़ाने के लिए। इस शातिर अपराधी ने खुद पूर्व पुलिस अफसर रहने के बावजूद ऐसे संगीन कारनामे किए कि पुलिस के भी इसे पकड़ने में जूते घिस गए और तभी से ये रैम्बो नाम से जाना जाने लगा। इस कुख्यात आरोपी ने अपनी पूरी स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग का इस्तेमाल अपने जुर्मों को अंजाम देने में किया। अल्फ्रेडो सैंचेस शेकॉन उर्फ ग्लेशियर रैम्बो सुर्खियों में आया अपनी सर्वाइवल स्किल्स को लेकर, साथ ही जेल से फरार होने में निपुणता हासिल करने में। इसकी सर्वाइवल स्किल्स इतनी प्रशंसक थी कि इसकी चर्चा इसके आर्मी में भर्ती होने के दौरान भी थी। और फिर इसने अपनी यही मंझी हुई सर्वाइवल स्किल्स का इस्तेमाल 25 साल तक पुलिस से छुपन छुपाही खेलने के लिए किया। 63 साल की उम्र और स्किल्स ऐसी कि किसी 20 साल के नौजवान को भी मात दे दे। रैम्बो पिछले एक साल से फरार था और पुलिस ने कड़े प्रयास के बाद रैम्बो को 3 फरवरी के दिन गिरफ्तार किया। इसके अपराधों की लंबी सूची सुन आपके होशो हवास उड़ जाएंगे। असल में रैम्बो 1996 में एक आदमी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या करने के बाद फरार हो गया था। उस मर्डर केस की जांच कर रही पुलिस टीम ने उसे ढूंढना शुरू किया। 7 महीने तक पुलिस को उसे ढूंढने में कोई कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद ढूंढते ढूंढते उन्हें रैम्बो एक वैश्यालय में मंडराते हुए दिखा। वहीं से 1997 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद वो वीगो जेल में कुछ समय तक रहा और वो वहां भी बाहर निकलने के अलग अलग तरीके ढूंढता रहता। सोचते सोचते उसने जेल से भागने के लिए एक ऐसी तरकीब अपनाई जिसे सुन आप हैरान रह जाएंगे। शातिर रैम्बो और उसके दोस्त ने मिलकर अपनी बिस्तर की 2 चादरों में गठान लगाकर उन्हें जोड़ दिया। इसके बाद उसी की मदद से दोनों बदमाश एक खिड़की से निकलकर भाग निकले। उसके बाद 2 साल तक पुलिस रैम्बो को ढूंढती रही, लेकिन रैम्बो उन्हें कहीं नहीं मिला। रैम्बो तो बड़ी ही मस्ती से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। इस चालाक अपराधी ने स्पैनिश सेना में सीखी गई अपनी सर्वाइवल स्किल्स से पुलिस को 2 साल तक चकमा दिया। ये उस दौरान उत्तरी स्पेन के गाँव में रहा। 1999 में रैम्बो को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया। 2 साल ठीक से रहने के बाद रैम्बो शांत सा हो गया था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी दौड़ रहा था कि आखिर जेल से कैसे निकला जाए। वो अपनी सर्वाइवल स्किल्स का पूरा फायदा उठाना चाहता था और वो ये जान चुका था कि अब इन सर्वाइवल स्किल्स से पुलिस से भी पंगे लेना मुमकिन है। 2001 में वो जेल से फिर भाग खड़ा हुआ, लेकिन इस बार वो नहीं जानता था कि ये आजादी सिर्फ कुछ पलों की है। वो कुछ दूर ही पहुंचा था कि 25 मिनट में पुलिस ने इस भगोड़े को फिर पकड़ लिया। आपको बता दें कि इस बार पहली बार होगा कि रैम्बो 2001 से 2021 तक इतने लंबे समय तक जेल में रुका। ये देख जेल अधिकारी भी हैरान थे। उन्हें भी ये बात पच नहीं रही थी कि रैम्बो इतनी शांति से जेल में अपनी सजा काट रहा है। इसका इतना अच्छा बर्ताव और शांतिपूर्ण व्यवहार देखकर इसे अपने परिवार से मिलने के लिए महज एक दिन का डे पास मिला। इतना मिलना भर था कि पुराना रैम्बो फिर जाग उठा और उसने अपना कर्तव्य फिर दिखाया। जिस मौके का वो इंतजार कर रहा था और जिसके लिए वो इतने दिन शांत रहा, वो अब उसे मिल चुका था। रैम्बो पिछले साल मार्च में डे पास मिलने के बाद फरार हो गया। उसके बाद उसने चोरी छकारी जैसे कई जुर्म किए। फिर एक दिन पुलिस को गैलेशियन नगर पालिका के रहवासियों से पता चला कि एक आदमी किसी के घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था। जब लोकल पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने उस घर के आसपास किसी के चलने को महसूस किया। थोड़ी देर वहां इंतजार करने के बाद उन्हें एक बुजुर्ग आदमी झाड़ियों से अपनी पीठ पे झोला लेकर निकलते हुए दिखा। वो रोड की तरफ जा रहा था। जब पुलिस ने उसे रुकने के लिए कहा तो आदमी ने झोला वहीं गिराया और तेजी से भागने लगा। काफी देर तक आदमी का पीछा करने के बाद पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसका चेहरा देख वो भी हैरान रह गए। ये तो प्रसिद्ध रैम्बो था। पुलिस ने उसे वहीं गिरफ्तार कर लिया। एक पुलिस अफसर ने बताया कि सैंचेस शेकॉन भागते वक्त लंगड़ रहा था और अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। इसके बाद रैम्बो को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस समय रैम्बो गैलेशिया के फेरल हार्बर जेल में है और वो अपनी कोर्ट पेशी का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।